पूरी दुनिया की निगाहें पोलैंड की राजधानी वॉर्सा पर लगी हैं। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सा पहुंच रहे हैं। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, यूक्रेन का साथी देश है। ऐसे में जो बाइडेन के इस दौरे का उद्देश्य क्या है, इसे लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं। युद्ध तो रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी लगी हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपने मित्र देश पर हमले के बावजूद आर्थिक प्रतिबंध के अलावा अब तक कोई सीधी मदद नहीं कर पाया है। हाँ, जुबानी हमलों से बाइडेन ये जतलाने में पीछे नहीं रहे कि वो ज़ेलेंस्की के साथ हैं। On Saturday, my administration authorized another $200 million to keep a steady flow of weapons and ammunition moving to Ukraine. Now I'm once again using my presidential authority to activate an additional security assistance to continue to help Ukraine fend off Russia's assault. रूस-यूक्रेन जंग के बीच बाइडेन शुक्रवार को यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचने वाले हैं। यूक्रेन से पलायन करने वाले 20 लाख से ज्यादा लोगों को पोलैंड ने अपने यहां शरण दी है। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, इस बात से पुतिन चिढ़ते भी रहे हैं। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि क्या पुतिन को चिढ़ाने या जवाब देने के मकसद से पोलैंड जा रहे हैं बाइडेन। लेकिन साथ ही ये भी अटकलें जताई जा रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पोलैंड जाना पुतिन को उकसा भी सकता है। पुतिन नेटो को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि युद्ध में हस्तक्षेप के भयावह परिणाम होंगे। A few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. We are prepared for any development. All the necessary decisions have been taken. I hope my call will be heard. वॉर्सो जाने से पहले बाइडेन बेल्जियम के ब्रसेल्स में G7, नेटो और यूरोपीय संघ के नेताओं से यूक्रेन को लेकर बैठक करने वाले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार नेटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। क्या इन बैठकों में इस पर कोई सहमति बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है, या फिर रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान होगा। अब सारी निगाहें बाइडेन के पोलैंड दौरे पर है। क्या रूस को लेकर वो कोई बड़ा और निर्णायक फैसला ले पाएंगे? वॉर्सो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।